बागपत जिले में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही और बेखौफ बदमाश आए दिन एक के बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ जहां एक सप्ताह पूर्व हुई दिन दहाड़े बैंक की डकैती पर पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई थी कि बदमाशों ने खेतों में काम करने गए किसान की ईंट से पीटकर हत्या कर दी। किसान के शव को गन्ने खेत में फेंककर वो फरार हो गए, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दरअसल मामला छपरौली थाना इलाके के शबगा गांव का है, जहां गांव का ही रहने वाला बुजुर्ग किसान कृष्ण कल शाम अपने खेतों पर गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा और परिजन उसकी तलाश करने लगे। जब तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिला तो परिजन सुबह उसे तलाश करते रहे और गन्ने के खेत में उसका शव खून से लथपथ पड़ा मिला। किसान की ईंट से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और शव के गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया और वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुटे हैं और मामले का जल्द ही खुलासा करने की बात भी कह रहे हैं। छपरौली थाना क्षेत्र सप्ताह गाँव में किसान की हत्या का मामला सामने आया, इसमें क्या कार्रवाई की? छपरौली थाना के अंतर्गत एक गांव सबका है, वहां पर एक व्यक्ति का जो शव मिला है मृत अवस्था में, खेत में ट्यूबवेल बना है उसने, उसके सर पर चोटें हैं, ईंट की चोट है और उसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास है, कृष्ण नाम है, कृष्ण की थी। तो अभी उसमें एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, उनके घर वाले कुछ लोग शक जाहिर कर रहे हैं कि इनके द्वारा बुलाया गया था, तो उस पर इनका फ़ोन भी संभवतः गायब है, उनका फ़ोन नंबर मिला है, उसके माध्यम से और अन्य माध्यमों से हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं मुकदमा पंजीकृत करने के बाद, और इसमें संबंधित थाने को और संबंधित CEO को निर्देशित कर दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर इसमें आपको बता दें कि छपरौली थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक है और पुलिस बदमाशों के सामने प्रश्न नजर आ रही है। 9 सितंबर को बेखौफ बदमाशों ने छपरौली थाना इलाके के ही गांव तुगाना में दर्जनों बदमाशों ने सिंडिकेट बैंक में दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की डकैती की वारदात को भी अंजाम दिया था और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद डकैती की गूंज लखनऊ तक पहुंची और DGP ने वारदात को संज्ञान में लेते हुए बेहद जल्दी खुलासा करने के सख्त आदेश दिए। तो वहीं पुलिस अभी बैंक डकैती का खुलासा नहीं कर पाई कि आज फिर किसान की हत्या की वारदात के मामले से माहौल में हड़कंप मचा हुआ है।